कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है कि पिछले दो दिनों में कोरोना केस घटे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में 19 लाख टेस्ट करने वाला भारत पहला देश बना है। 17 राज्यों में 50,000 से कम मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 26 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 13 राज्यों में 1 लाख से कोरोना के केसेस एक्टिव केस हैं। तो ये तमाम आंकड़े जो हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। एक बार फिर आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि पिछले दो दिनों में काफी केस कम हुए हैं। एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है, दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए जरूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।